request everyone to work to vote for Mr. Akavi Zimoni. Thank you so much. All of you, Hindi mein baat karo. Respected our candidate Mr. Akavi, all the dignitaries and my dear friends. मैं कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की ऑब्जर्वर हूँ. मैं मुंबई से आई और मुझे अभी आके यहाँ पे 10 दिन हो गया, 10 या 12 दिन. तो मैं जब से आई हूँ मैं लोगों के बीच में जाके ये पूछती हूँ, क्योंकि मेरे लिए नागालैंड एक नई जगह है, कि लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे और क्या किसको वोट करना चाहते हैं. मुझे ये पता है कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोग हैं, तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था जब मैं यहाँ पे आई कि क्रिश्चियन लोग हैं फिर भी वो क्या सोच के एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ है हमेशा से. आप ऑल ओवर इंडिया में देखिए जितने क्रिश्चियन कैथलिक चर्चेज हैं उनके स्टैचूज हैं वैंडलाइज करते हैं, उन्होंने ये हिंदुत्व उनका एजेंडा है. तो व्हाट इज़ द रीज़न के पीपल आर वोटिंग फॉर हिम, वोटिंग फॉर दैट पार्टी, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या उनके लिए वोट कर रहे हैं बीजेपी या उनकी जो पार्टीज हैं उन्होंने जो प्लांट की है. और पिछले 20 साल से आप लोग के पास वही वो लोग रूल कर रहे हैं आपके ऊपर. कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट में एक भी एमएलए आपने कांग्रेस पार्टी का चूज नहीं किया. तो वो मेरे जो क्वेश्चन थे उसका मुझे आंसर धीरे से जब मैं लोगों से मिली तो मुझे एक पता चला कि यहाँ के लोगों को दे आर नॉट वरीड अबाउट द डेवलपमेंट. आई वॉज टोल्ड कि दे people in other states they vote for development, here the people are saying they people vote for money. That notion जो नागामीज लोगों के बारे में, नागालैंड के लोगों के बारे में जो बाहर के लोगों को ये पता चलता है, तो एक बहुत आप लोगों को दुख हो रहा होगा ये सुन के. मुझे भी दुख हुआ ये सुन के कि people are not worried about their generations, their development, but they are only worried about money. अभी पैसा भी आपको कितना मिलता है, कितना मिलता है, 10,000 मिलता होगा मैक्सिमम एक जन को एक वोट का. अगर वो आप 5 साल में कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 रुपये आता है एक दिन का, 10 रुपीज पर डे. सो बेसिकली यू ऑल आर सेलिंग योर डेवलपमेंट ऑफ योर एंटायर स्टेट फॉर दैट 10 रुपीज. और आपके लिए ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपका तो 20 साल खराब हुआ है, लेकिन अभी मैंने कई यूथ से भी बात किया, वो लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ये एक ये बना दिए कि एवरी इलेक्शन